check gx equals to 0 to x after dt, even or odd, depending on y equals to fx and even or odd function. Now focus here. पहली बात ये आपके समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे पास जी एक्स लिखा है 0 टू एक्स एफ एक्स डी एक्स तो एफ टी डी टी लिखा है या एफ एक्स डी एक्स भी लिखा है तो जी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टू एक्स प्रेजेंट इन लिमिट्स ओनली. अगर मैं जी ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करूँगा तो ये एक्स चेंज नहीं होगा, ये वेरिएबल नहीं है. It can be replaceable by v, dv, t, dt, x, dx. अगर मैं g of minus x calculate करूँगा, जो कि मुझे even और odd निकालने के लिए ज़रूरत है, तो मैं 0 to minus x करूँगा, यहाँ पर कोई भी change नहीं करूँगा. Okay, इस type का आएगा. Now, अब मुझे even और odd check करना है, depending on fx, तो ये आसान है, थोड़ा सा मैंने t को minus v replace कर दिया. अगर मैं माइनस भी यहां पर रिप्लेस करूंगा तो डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस डी बी आएगी, माइनस डी बी आएगी. ओके, एंड जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स कितनी कन्वर्ट हो जाएंगी, ध्यान से देखिए जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी. मेरे पास जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये जो लिमिट है जीरो, जब टी जीरो है, इट्स द वेरिएशन ऑफ टी, तो जब टी की वैल्यू जीरो है तो वी की वैल्यू भी जीरो होगी, और जब टी की वैल्यू माइनस एक्स है तो इसकी वैल्यू एक्स होगी, और यहां क्या आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ माइनस वी डी बी. ओके, डी टी की जगह माइनस डी बी लिखा है. इट इज इक्विवेलेंट टू माइनस जीरो टू एक्स एफ ऑफ माइनस वी डी बी. नाउ फोकस हियर, देर आर टू पॉसिबिलिटीज डिपेंडिंग ऑन एफ इवन है मेरे पास, एफ इवन है या एफ ऑड है, उस पर डिपेंडिंग दो पॉसिबिलिटीज हैं. अगर f इवन हुआ, अगर f इवन हुआ तो क्या होगा, f अगर ऑड हुआ तो क्या होगा, उसको ध्यान से देखना. अगर f इवन हुआ तो यहां पर ये सेम आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस जीरो टू एक्स एफ ऑफ वी डी वी, दैट इज माइनस ऑफ जी एक्स आ गया, दैट इज माइनस ऑफ जी एक्स आ गया. मैंने आपको बताया कि ये जी एक्स है, यहाँ वी डी वी हो सकता है, टी डी टी हो सकता है, एक्स डी एक्स हो सकता है. ओके, लेकिन अगर f ऑड हुआ, f ऑड हुआ, f फंक्शन कैसा है, मेरे पास ऑड है, तो इस केस में माइनस एफ बी डी बी ओपन करेंगे तो ये जी एक्स आ जाएगा. तो उस केस में मेरे पास क्या हुआ, ध्यान से देखिए, मैंने कैलकुलेट क्या किया, g ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट किया, ये किसके बराबर आ रहा है, माइनस जी एक्स के बराबर आ रहा है. कब आ रहा है, जब f कैसा है, इवन है. तो f अगर इवन होगा तो g क्या होगा, f का इवन होना क्या बता रहा है, f अगर इवन है तो जी कैसा है भाई, जी इस केस में ऑड है, एफ इवन है तो जी ऑड है, और एफ ऑड है तो जी इवन है. ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है जो तरीका है, जो प्रोसेस है, कैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो वो भी आपकी समझ में आ चुका है, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और ध्यान रखना, यहां पर मैं ये प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया है, आप ओनली चेंज बुक्स में अच्छा नहीं दे रखा होता, सही नहीं दे रखा होता, एक असाइनमेंट में यहां पर दे रहा हूं आपको. जी एक्स इक्वल्स टू ए एक नॉन जीरो नंबर है, ए टू एक्स, ए टू ए टू एक्स एफ टी डी टी, इसका नेचर ऑब्जर्व करना है, इवन और ऑड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एफ एक्स. ये अलग है, ए जीरो नहीं है, ये असाइनमेंट है, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आगे मैं डिस्कस भी करूंगा. और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि जब जब मेरे पास f इवन होगा तो 0 टू x एफ टी डी टी ऑड होगा, और f अगर ऑड होगा तो ये कैसा होगा, g x कैसा होगा, इवन होगा. ओके, okay?